एवरीवन, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आपने उनके बारे में सुना तो होगा, लेकिन मैं आज सबसे अलग बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे ऐसे ही मजेदार जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेगी। अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों DRDO और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे, इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। अबुलफकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता ऐशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्क्वाज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसीलिए कहा जाता है, सोच बड़ी है तो कुछ भी किया जा सकता है। करियर। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। यहां वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था, और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, ने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी थी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी है। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदंबरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया।
वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रपति एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न ने नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से सेवामुक्त होने के बाद का समय। राष्ट्रपति पद से सेवामुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पाया था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें दो बार 2003 और 2004 MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार यह भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मान उपाधि प्राप्त हो चुकी है। कुछ लाइन जो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखे गए हैं। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना, पुरस्कार और सम्मान। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मान डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा।